ये भी घोड़ी है सर? हाँ ये भी घोड़ी है सर। ओके, तो क्या हाइट होगी अभी इसकी? 61 है, 61। 61। ओके, किस लाइन की क्या है सर ये, मैं इनकी माँ और बाप का नाम? माँ बाप का नाम तो नहीं ध्यान सर, पर मैं मारवाड़ से लेके आया। अच्छा, मारवाड़ से। कितने साल से आपके पास में? से लाया। कौन सी तहसील से? साहिला तहसील। साहिला, साहिला। ओके, और कितने साल से आपके पास में ये? ये अभी 8-9 महीने ही हुए, अभी नई खरीदी। नई खरीदी। और कितने साल की है वैसे ये? ये 12-1 साल की है। 12 साल की है? 12 साल। ओके, यानी सबसे उम्र दराज यही है क्या आपके पास में? नहीं, 12 साल की उम्र नहीं होती वैसे। तो क्या होता है ये? अभी समझो बीच की उम्र आई है। बीच की उम्र है, यानी जवानी चढ़ रही है। अब चढ़ी है इस घोड़ी। चढ़ी है, तो कितने साल तक घोड़ी जिंदा रहती है? 35-40 साल की घोड़ियाँ देखी हुई मैंने। देखी हुई है 35-40 साल। और बच्चे कितने साल तक देती है? 33 साल तक के घोड़ियों के बच्चे देखे हुए मैंने सर। 33 साल तक के? 30 साल तक के। 30 साल में कितने एवरेज कितने बच्चे दे देती होगी एक घोड़ी? मेरे सर पहले एक घोड़ी थी जो छूट गई, उसने मेरे यहाँ 13 ठाण दिए हुए। 13 बच्चे दिए हुए हैं? 13 बच्चे दिए हुए सर। ओके, तो जैसे कि घोड़ी 13 बच्चे इतने देती है तो कमजोरी नहीं आती क्या कुछ? नहीं, आप हिफाजत रखेंगे तो कमजोरी नहीं आएगी सर। अगर हिफाजत रखेंगे? हाँ, हिफाजत रखेंगे, बाकी हिफाजत नहीं रही तो अब काम गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़। तो जैसे एक घोड़ी आपने क्रॉस करवा दी, बच्चा दे दिया, उसके कितने दिन बाद में घोड़ी क्रॉस करवाते हैं आप? मैं जैसे घोड़ी ने आज बच्चा दिया तो 28वें दिन बाद क्रॉस कराता हूँ। 28 और 35 दिन के बीच में, 28 से 35 दिन के बीच में कराते हैं। इसमें इसका जापा हो जाता है जैसे। ओके, जैसे बहुत सारे लोग 10-12 दिन बाद ही करा देते हैं। गलत है ना? घोड़ी की जो कमजोरी वो भी खत्म नहीं हो पाती होगी। कमजोरी वो उससे बिचारी उठती ही नहीं सदमे से। पर लोग अपने लालच के चक्कर में? नहीं, वो गलत है सर। हम महीना भर इसको अच्छा खिलाएंगे, पूरा जापा का जो भी माल होगा सब खिलाएंगे। ओके, फिर क्रॉस कराएंगे, फिर भी चलने देंगे। तो यानी कि जापे में क्या क्या खिलाते हो आप इसको? मैं अजवाइन घी वी अपने मेथी ये सब बढ़िया बढ़िया चीज़ें देता हूँ सर इसको। ओके, और ये वाली? ये सर एक आपने शेरखान, आ जाओ इधर आ जाओ। शेरखान घोड़े का नाम सुना होगा? चित्तौड़गढ़ वाला? हाँ, चित्तौड़गढ़ वाला। ओके, गुलजार घोड़े के, इसकी माँ गुलजार घोड़े की थी सर। गुलजार घोड़े की? गुलजार घोड़े की इसकी माँ। ओके, घोड़ी है ना ये भी? ये भी घोड़ी है सर। और बाप? इसके बाप लोकल ही था सर। ओके, उसका नाम माम नहीं है सर। तो ये कौन सा कलर है अभी इसका? ये नीला कलर कहेंगे, संजाब टाइप। संजाब टाइप में? हाँ। क्योंकि अच्छा ये थोड़ा ब्लैक। हाँ, ये ब्लैक आ गए इसके, और हल्के से स्पोर्ट्स भी है नहीं क्या ना, इसलिए संजाब की गिनती में आई। बच्चे किस टाइप के देती है ये? ये बच्चे जैसे अबलग भी दिए इसने, एक अभी काकड़ा बच्चा भी दिया। नुकरा देती है? नुकरा छोड़ेंगे तो नुकरा देगी। नुकरा छोड़ेंगे तो नुकरा दे सकती है? इसके खान में नुकरा है। नुकरा है, जैसे सफेद है इसलिए ना? नहीं, ये सफेद नहीं है, इसके माँ बाप सफेद थे इसलिए। अच्छा, माँ बाप आगे वाली? अगर मान के चलो घोड़ी सफेद है और घोड़ा काला है तो क्या कैसा बच्चा आएगा? तो बहुत सी घोड़ी काला बच्चा भी दे देती, बहुत सी सफेद भी दे देती है। अच्छा, यानी कि किसका वो रंग आए ये तो आप रिसर्च नहीं कर सकते उसमें। वो तो यानी कि ऊपर आने के बाद ही। तो अभी क्या हाइट होगी इसकी घोड़ी की? अभी इसकी 64 है सर। 64 है। कितने साल की है ये? 8-9 साल की है। 8-9 साल की है। कितने बच्चे वगैरह क्या दिए इसने अभी तक? इसने हमारे यहाँ पहले एक दिया हुआ, अभी शुगर है वापस। शुगर है? कितने महीने की? ये अभी 2 महीने की। 2 महीने की। तो इसके बच्चे किस प्राइस में गए हैं अभी तक? इसके बच्चे देखो, हमने तो सेल नहीं करे अब। अच्छा, आगे से आई है? ये कितने दिन से आपके पास में? ये साल भर से। साल भर से है? आगे बच्ची छोड़ के आई है। अच्छा, बच्ची छोड़ के आई है। ओके, है तो मारवाड़ी नस्ल में ही ना ये? या कोई और? मारवाड़ी नस्ल में आएगी। मारवाड़ी में ही आएगी। ओके, तो जैसे कि मालानी नस्ल वगैरह, ये कोई जगह का नाम है या वास्तव में कोई नस्ल है? यानी कि मालानी नस्ल जैसे जगह का नाम तो नहीं, उनके कान ने चेहरे ने गर्दन के हिसाब से ही कहते हैं कि ये मालानी। वैसे मालानी आता तो मारवाड़ी में ही है ना? हाँ, है ना, मारवाड़ में ही है मालानी नस्ल। ओके, अपने ये राजस्थान की नस्ल है ये? हाँ, राजस्थान की नस्ल। राजस्थान। ओके, भाई बताइए दोनों पकड़ो। ये भी घोड़ी है? ये भी घोड़ी है सर। ओके, तो ये घोड़ी की क्या हाइट होगी? इसकी 61। 61। ओके, तो अभी और जा सकती है ये? नहीं, अब नहीं जाएगी। अब नहीं जाएगी? अब 5 साल की हो गई। अच्छा, 5 साल की हो गई है। तो इसने अभी एक दो बच्चा दिया होगा मेरे साहब? एक दिया हुआ, एक दिया। अब देखिए ये कितने साल से आपके पास में? ये हमारे पास साल भर से। साल भर से? ओके, ये अबलक में आती है तो, है ना? हाँ, ये अबलक में। तो इसके बच्चे किस तरीके के पैदा होते हैं? अबलक ही होते हैं या कैसे? नहीं, क्या इसने पहले भंवर बच्चा दिया हुआ? भंवर बच्चा? भंवर दिया हुआ। ओके, काला रंग का। अगर इस पे नुकरा छोड़ा जाए तो नुकरा हो सकता है बच्चा, है ना?
हाँ इस पे नहीं हो सकता, नुकरे से बिगड़ जाएगा वो। क्यों? दो रंग लाएगा या कोई नीलापन में लाएगा, काकड़े में लाएगा, प्योर नुकरे छोड़ेंगे। तो आप जैसे घोड़े जब क्रॉस कराते हो तो किसी भी घोड़े से करा देते हो या देख लेते हो कि यार इस घोड़े से कराएंगे तो ऐसा बच्चा अंदाजा आइडिया लगा के खुद जब क्रॉस कराते हो? यानी कि नहीं, वो देखना पड़ता सर। जैसे अभी इसको अबलक से अबलक में मिलाया हमने। अच्छा अच्छा। हाँ, इससे जिस चीज से अभी है सुपर है वो घोड़ा भी अबलक ही है। अबलक ही घोड़ा है, ऐसे रंग का ही है वो भी। ओके, आप जैसे इस घोड़ी को किस घोड़े से करवाते हो? यानी कि इसको अभी हमने काले घोड़े से करवाई हुई है। काले घोड़े से? वो क्यों करवाया? यानी कि वो क्योंकि अब की काला बच्चा आ सकता है, इसलिए क्योंकि उस काले बच्चे के खान में सब काला काला है। तो संजाब भी तो आ सकता है बच्चा? नहीं, वो हमको उम्मीद है काला आएगा। काला आएगा? हाँ, इसके एक दो बच्ची देखे हुए ना इसलिए हमने। ओके, तो संजाब बच्चा किस पे आता है? किसका क्या कराते हैं जब आता है संजाब? संजाब बच्चा जैसे अबलग से भी आ सकता है, इस पे अबलग होगा तो संजाब भी आ सकता है। संजाब भी आ सकता है, माँ पे भी जाता है, बाप पे भी जाता है। तो संजाब बच्चे की डिमांड है मार्केट में? नहीं है ना, वैसे तो मार्केट में डिमांड है पर बच्चा अच्छा होना चाहिए। नहीं, आपके हिसाब से भी मार्केट में किस तरीके की बच्चों की डिमांड चल रही है? आपको जो लगता है, यानी कि होगी जिसकी होगी, आपको क्या लगता है कि मार्केट में किस तरीके के बच्चों की डिमांड है अभी? मार्केट में जैसे अभी काले रंग की डिमांड ज्यादा है। काले रंग की? हाँ, अच्छा नस्ल का हो, घोड़ी अच्छी नस्ल का हो, घोड़ा अच्छा नस्ल का हो, तो उसके बच्चा बच्ची की पैदावार की मांग ज्यादा है। ओके, अगर मान के चलो जैसे कि मैं नया हूँ, मैं पहली बार घोड़ा रख रहा हूँ, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, तो मेरे को क्या लेना चाहिए आपके हिसाब से? घोड़ी लूँ या घोड़ा लूँ, क्या लेना चाहिए मेरे को? आपको शुरू में घोड़ी लेनी चाहिए सर। घोड़ी लेनी चाहिए? वो किस हिसाब से? क्योंकि घोड़ी नर थोड़ा नर रहता है, वो जोश करता है। ओके, घोड़ी लेंगे तो आपके बच्चा बच्ची उत्पादन होगा, तो उससे आपको थोड़ा मन अच्छा रहेगा। बाकी आप घोड़ा ले लोगे तो फिर कहाँ करो, घोड़िया क्रॉस कराने। तो बच्ची भी ले तो कितने दिन की क्या ले? यानी कि घोड़ी ले तो आप जैसे अच्छा जानवर लो तो एक बार 4-5 साल की घोड़ी ले लो। 4-5 साल की? हाँ, जो तो क्रॉस कराते से साल भर बाद आपके बेनिफिट आएगा। किस प्राइस वगैरह में ली जाए? यानी कि वो तो आपके ऊपर सर। नहीं, जब भी नॉर्मल, जैसे कि मान के चलो मैं नॉर्मल फैमिली से हूँ, 2-2.5 लाख। 2-2.5 लाख तो लाइन की आ जाएगी? 2-2.5 लाख में या वैसी आएगी बिना लाइन की? बिना लाइन की आएगी। अगर मान के चलो जो घोड़ी ली और मैंने लाइन वाले घोड़े से अगर मैं उसकी क्रॉसिंग करवा लूँ तो? तो नहीं, बच्चा बच्ची होगा तो अच्छा होगा फिर। अच्छा हो जाएगा? हाँ। तो आप यानी कि घोड़ियाँ ज़्यादा रखते हो यानी कि, है ना सर? बच्चों के हिसाब से? बच्चों के हिसाब से। तो बाकी का जैसे कि ये शहर के अंदर आपने बीचों बीच में घोड़े रख रखे हैं, तो आपके आसपास में मेरे को लगता है और किसी के पास तो होंगे नहीं, या है शहर के अंदर? शहर के अंदर है ना, ये तो बहुत जनों के पास, जैसे शादी ब्याह वालों के। तो आपके पास में जैसे शहर के अंदर तो जगह की कमी बहुत रहती है, जब भी कैसे शौक लग गया नहीं रखने का? शौक सर बचपन से ही सर, शौक तो। तो जगह वगैरह में दिक्कत नहीं आती बांधने करने में? नहीं, वो तो आती है पर वो एडजस्टमेंट करते हैं सर। एडजस्टमेंट करते हैं क्योंकि शौक है, इसलिए इसलिए शौक जिंदा रखना है, पर एडजस्ट रखना पड़ता है। ओके।